नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत देश विविध संस्कृतियों से भरा देश है, जहां पर ईद, बकरीद, मोहर्रम, होली, दीपावली, दशहरा, गुरु पूर्णिमा, पोंगल और बहुत से तीज और त्योहार हैं। अगर यहां पर नाम लिया जाए तो आप सुनकर थक जाएंगे। और ठीक इसी तरह जादू टोने और आडंबर भी भारत में है, और तो लोग इन सब चीज़ों पर दिल से विश्वास करते हैं, जैसे कि साधु संत, मौलवी, मौलाना और इनकी बातों पर भी विश्वास करते हैं। भारत में कोई भी नया काम होता है तो लोग बिना पूजा के या बिना पंडित से पूछे कोई काम नहीं करते, और भारत की नस नस में धर्म और पूजा पाठ भरा है। आप नेताओं, फिल्म अभिनेताओं को देख लीजिए, शुभ और अशुभ का खेल इनके यहाँ भी खेला जाता है, और बिना पंडित जी के इजाजत के कोई भी काम नहीं करते। पिछले 10 मार्च को शाम 5 बजे चुनाव आयोग ने देश के लोकतंत्र के लिए आम चुनाव की घोषणा कर दी। अब सभी नेता, मंत्री और संतरी सभी पहले तो टिकट के लिए पार्टी दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं, और अपने गुरुकुल पंडित से अपने भविष्य के बारे में जान रहे हैं कि क्या होगा आगे। चुनावी मौसम में ज्योतिषों की चांदी हर बार देखी गई है, और अगर ज्योतिषी की माने तो ग्रह दशा धन की राजनीति करने वाली पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रही है। और ज्योतिष की माने तो इस बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मशहूर ज्योतिषाचार्य श्री सनबेत्रा शोका जी का मानना है कि 2019 में मोदी की सरकार बनेगी और एनडीए 300 प्लस सीटें पाएगी। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 है, और नरेंद्र मोदी चंद्रमा की महादशा से गुजर रहे हैं, अंतरदशा केतु की है, और कड़े मुकाबले में वो अच्छी जीत हासिल करेंगे। मायावती, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के सितारों की गणना करते हुए सनबेत्रा जी का कहना है कि सियासी हस्तियों के पुरजोर प्रयास के बावजूद भी महागठबंधन 230-240 सीटों तक सिमट जाएगा, जबकि बीजेपी का गठबंधन 300 का आंकड़ा पार कर जाएगा। पंडित जी ने बताया कि हाल ही में राजनीति में कदम रखने वाली प्रियंका गांधी, जो शुक्र में शनि की अंतरदशा से गुजर रही हैं, इस दौरान वो अच्छा प्रदर्शन करेंगी और भविष्य में डूबती हुई कांग्रेस के नाव को सहारा देने वाली एक स्टार नेता साबित होंगी। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, उड़ीसा और कर्नाटक और बंगाल में अच्छा प्रदर्शन करेगी, और यहां पर विरोधियों की हालत खराब हो जाएगी। वैसे तो ये एक भविष्यवाणी है और काफी लोग इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जो इस पर विश्वास करते हैं वो पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 23 मई को आने वाले नतीजों में क्या होता है और कौन देश की तकदीर लिखने वाला होता है, जो 2019 से 2023 तक भारत के लोगों की तकदीर लिखेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। सर, जैसे कि नव संवत जो है ये हमारा 6 अप्रैल से शुरू हो रहा है, कहते हैं कि हिंदू पंचांग के हिसाब से एक नया साल लगता है, तो ऐसे में और कहें कि 11 अप्रैल से, जिसका सबको इंतज़ार था, लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो जाएगा, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि पीएम मोदी, देश के प्रधान सेवक कहें या फिर देश के प्रधानमंत्री, पीएम मोदी की राजनीति जो है वो किस करवट बैठेगी, क्या उनके जीवन में अब उतार चढ़ाव आने वाले हैं, खास तौर पर उनके राजनीतिक करियर को लेकर। देखिए, जैसा कि मैं आपका सोशल मीडिया में पहले ही ये भविष्यवाणी कर चुका था कि अगर 11 से लेके जो आपका पीरियड है 18 मई तक का जो है, इसमें जो जो डेट्स हिंदी भाषी क्षेत्रों की आती है उसमें अगर इलेक्शन होते हैं, तो
हिंदी भाषी बेल्ट में बिल्कुल क्लीन स्वीप होगा और मुद्दा जो है राष्ट्रवाद का होगा। अब इलेक्शन शुरू होते होते आप देख रहे हैं कि मुद्दा जो है अब राष्ट्रवाद की तरफ चल पड़ा है। विकास तो है, विकास तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है, लेकिन उसके साथ में राष्ट्रवाद, जो आपका कश्मीर में हुआ, पुलवामा में, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो जन जागरण में जो जागृति हुई है, बच्चा बच्चा हर चौराहे पे आकर उन्होंने जो देश से, देश के प्रधानमंत्री से डिमांड की और उसका जो काउंटर अटैक हुआ और जिसमें जो है दुश्मन के घर में घुसकर उनके जो आतंकवादी ठिकानों को ख़त्म किया गया और जिसमें उनके 300 से 400 के बीच में उनके आतंकवादी जो हैं वो जमींदरोज हुए हैं, तो वो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपका देश की जो जनता है बहुत उत्साहित है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि भारत ने प्रोएक्टिव डिसीज़न लेकर दुश्मन के दांत खट्टे किए। ये युद्ध नहीं था, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी, और अगर कहीं हमारे पड़ोस में अगर कुछ गलत होता है तो एक अच्छे राष्ट्रवादी की, राष्ट्रवादी होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता कि उसका आप जो है कानून में हाथ, कानून को हाथ में ना लेते हुए उसके निवारण के लिए आप सहयोग लें, पुलिस का सहयोग लें, सरकार का सहयोग लें और उसको समाप्त करें। ठीक उसी तरीके से माननीय मोदी जी ने पाकिस्तान की धृष्टता का जो जवाब दिया है, जो हमारी सेना ने जो जवाब दिया है और प्री प्लान्ड तरीके से जवाब, जो जवाब दिया है वो सराहनीय है। और हिंदी भाषी बेल्ट जो है उसके जो इलेक्शन की डेट्स बिल्कुल वैसे ही पड़ रही है जैसी पहले प्रोडिक्ट की थी, तो उसका दूसरा देखिए जो ये नवसंबद है 6 अप्रैल को शुरू होता है, इसमें माननीय मोदी जी की जो राशि है वो वृश्चिक है और उसका जो स्वामी है जिस दिन नवसंबद शुरू होता है वो आपका वृक राशि में है, और मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी होते हुए मंगल की पूर्ण दृष्टि वृश्चिक राशि पे होने के कारण ये नवसंबद 2076 मोदी जी के लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। और इसमें जो सफलता है जिसकी हम भविष्यवाणी बहुत पहले कर चुके हैं, 2016 में ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि 2019 का जो मुख्य मुद्दा राष्ट्रवाद होगा और बीजेपी 299 प्लस सीट्स लेगी, एनडीए जो है 408 प्लस सीट्स लेगी, जिसका पुनः जब अवलोकन किया गया कैंची धाम, नीम करौली बाबा जी के धाम से जब इसका पुनः जब इसका एनालिसिस किया गया, वो आपके एनएमएफ न्यूज़ के माध्यम से उसका डिटेल्ड एनालिसिस, उसमें जो जो नंबर आए थे वो आपका दिया है, तो उसमें कहीं पे भी जो है बीजेपी और एनडीए जो है 371 से कहीं नीचे नहीं आती, और जो फाइनल आंकड़ा है वो 413 का है, 413 एनडीए प्राप्त कर सकती है, जिसकी भविष्यवाणी मैं पहले कर चुका हूँ। और आजकल के जो हालात हैं, देखिए जब मुद्दा राष्ट्रवाद का होता है तो उसके अगेंस्ट जो भी बोलेगा सब उसके विपरीत खड़े हो जाएंगे, उसके विरोध में जाके खड़े हो जाएंगे। आप एग्जांपल ले लीजिएगा, सिद्धू ने जो वक्तव्य दिया पुलवामा पे कि वो पेड़ गिरा के आए हैं या वहाँ पे लोग मरे हैं, तो कितना मतलब नीच मानसिकता का घोतक तो कौन खड़ा होगा विपक्ष के पास साथ जाके। यही कारण है कि जो गठबंधन जिसको महागठबंधन का नाम दिया गया है, महागठबंधन में आज जो हैं इसके निर्माता जिनके इनिशिएटिव से महागठबंधन शुरू हुआ था, वो महागठबंधन से एक किस्म से बाहर हैं, क्योंकि महागठबंधन का कोई भी नेता उनको एज ए पीएम कैंडिडेट नहीं मान रहा है। सर,
सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि नव संवत 2076 पीएम मोदी जी के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है, उनके फेवर में जाने वाला है, ऐसे में मन में ये सवाल भी उठते हैं कि कहीं ना कहीं क्या जो महागठबंधन है, जो मोदी विरोधी दल है, वो क्या पीएम मोदी की राह में अड़चने पैदा कर सकते हैं? कि आपको ऐसे संकेत दिख रहे हैं? देखिए, इस टाइम का जो 2076 के जो सितारे हैं वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारा पड़ोसी देश कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे देश में चुनाव जो हैं, चुनाव के ऊपर बहुत बड़ा असर आएगा। कोई ना कोई ऐसी घटना होगी, कुछ ना कोई ऐसी हरकत होगी जिससे चुनाव जो है प्रीपोन पोस्टपोन्ड हो सकते हैं, ऐसी संभावना इसमें नज़र आ रही है।